ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आज हर कोई जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है, चलिए पंडित जी से इसके कुछ उपाय जान लेते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि विशेषकर जो हमारे अभी बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले जो हमारे बच्चे हैं, और इफ दे वांट गेट सक्सेस 100% रिजल्ट अगर चाहते हैं, उसके लिए उपाय बताने जा रहा हूँ। एक बात आज बड़ा अच्छी चर्चा का विषय है। यदि आपको लगता हो कि जीवन में पग पग पर आपको बाधाओं का सामना करना पड़ता है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, शारीरिक आर्थिक मानसिक समस्या बनी रहती है आपको, यदि इन सब समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने माता पिता की सेवा करना शुरू कर दीजिए। आप जानते हैं कि आपके माता पिता ने आपके पालन पोषण में कितने कष्ट सहे हैं, छोटे से कैसे आपको बड़ा किया है। भूल कर भी दोस्तों अपने माता पिता का कभी तिरस्कार नहीं करना, वे आपके आदरणीय हैं, उनका मान सम्मान करना आपका कर्तव्य है। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, शुरू से ही सिखाया जाता है कि माता पिता जो हैं वो देवता हैं, मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा। लेकिन आप में और हम में से कितने लोग हैं जो मातृ देवो भवा करते हैं, पितृ देवो भवा करते हैं? कितने लोग हैं जो रोज सुबह घर से बाहर निकलते हैं, अपने माता पिता के चरण छूकर निकलते हैं? कितने लोग हैं? गिनती के लोग होंगे शायद। भगवान गणेश माता पिता की परिक्रमा करके ही प्रथम पूज्य हो गए। श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा में अपने कष्टों की, अपने पांव के छालों की जरा भी परवाह ना करी और अंत में सेवा करते हुए ही प्राण त्याग दिए। देवव्रत भीष्म ने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर दिया। भगवान श्री राम ने पिता के वचन को निभाने के लिए राजपाट छोड़ दिया। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक पिता अपने छोटे से पुत्र को गोद में लिए हुए बैठा था। इतने में एक क्रो कौवा सामने छज्जे पर आकर बैठ गया। वो छोटा सा जो बच्चा था वो बार बार पापा से पूछता कि पापा ये क्या है। पापा कहते कि बेटा कौवा है। फिर पूछता कि पापा ये क्या है, तो पिता फिर बोलता कि बेटा एक कौवा है। बार बार पूछता कि पापा ये क्या है, ये क्या है, और पिता बड़े स्नेह से लाड से बार बार कहता कि बेटा दिस इज क्रो, ये कौवा है, ये कौवा है। इतने प्यार से उसके बच्चे के हर जो जिज्ञासा थी उतने ही प्यार से उसका आंसर दे के उसको समझाने का प्रयास करता। बहुत साल बीत गए, जवानी बुढ़ापे में बदल गई। एक दिन पिता खाट पे बैठा था, चटाई पे बैठा था। घर में कोई उसके पुत्र से कोई मिलने आया। पिता ने पूछा कौन आया बेटा, पुत्र ने नाम बता दिया। थोड़ी देर में कोई और आया तो पिता ने फिर पूछा कि बेटा कौन आया है, तो पुत्र ने झल्लाकर कहा कि आप चुपचाप पड़े क्यों नहीं रहते हो, आपको कुछ करना धरना तो है नहीं, कौन आया कौन गया, दिन भर ये टाए टाए क्यों लगाए रखते हो आप। पिता ने एक लंबी सांस खींची, हाथ से सिर को पकड़ा और बड़े ही दुख भरे स्वर में धीरे धीरे कहने लगे कि मेरे एक बार पूछने पर तुम इतना क्रोध करते हो, जब तुम छोटे थे दसों बार एक ही बात को पूछते थे, ये क्या है, मैंने कभी तुम्हें बेटा झिड़का नहीं, बार बार तुम्हें बताता कि बेटा कौवा है। आप समझते हैं कि आपके पालन पोषण में आपके माता पिता ने कितने कष्ट सहे हैं, कितनी रातें मां ने आपके लिए गीले में सोकर गुजारी है। जन्म से लेकर 9 महीने तक पेट में रहकर डिलीवरी का कष्ट भोग कर आपको जन्म दिया, क्या कल्पना करोगे आप। छोटी सी सुई चुभने पे तो आपको दर्द होता है,
कितने कष्ट सहकर आपको बड़ा किया और अब आपको अपने वृद्ध माता पिता को प्यार से दो शब्द कहने में कठिनाई लगती है, पिता को पिता कहने में भी शर्म आती है, अपने मित्रों के सामने पिता कहने में भी शर्म आ रही, संकोच हो रहा है, ऐसी अंग्रेजी पढ़ाई का क्या मतलब है, ऐसे आडंबर की ऐसी की तैसी कर देनी चाहिए जो आपको आपकी संस्कृति से दूर ले जाए। पिता तो आखिर पिता है, चाहे किसी भी हालत में रहे। प्रहलाद को कष्ट देने वाले दैत्य हिरण्यकश्यप को भी प्रहलाद कहता था पिताश्री। आपके लिए तन तोड़कर मेहनत करने वाले, आपका पालन पोषण करने वाले पिता को पिताश्री कहने में भी हमें शर्म आती है। पंडित जी, ऐसी ही एक कथा और है शिवजी की और उनके दोनों पुत्रों की, वो भी जानना चाहेंगे आपसे। एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर के यहाँ उनके दोनों, अक्सर आपने सुनी होगी कहानी कि दोनों पुत्रों में होड़ लगी कि कौन बड़ा। निर्णय लेने के लिए दोनों गए भगवान शिव पार्वती के पास में, माता पिता के पास में। भगवान शिव पार्वती ने कहा कि जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले पहुंचेगा उसी का बड़प्पन माना जाएगा। कार्तिक तुरंत अपने वाहन मयूर पर निकल गए पृथ्वी की परिक्रमा करने, बड़े बलशाली थे। गणेश जी चुपके से एकांत में चले गए, थोड़ी देर शांत होकर उपाय खोजा तो झट से उन्हें उपाय मिल गया। क्योंकि जो ध्यान करते हैं, जो शांत रहते हैं, उन्हें अंतर्यामी परमात्मा जो है वो स्वतः ही सत प्रेरणा दे देता है। इसलिए दोस्तों, किसी कठिनाई के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान का, प्रभु का, अपने ईष्ट का ध्यान करके थोड़ी देर शांत बैठ जाना चाहिए, उस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। Nobody can help you, वो बैठा है ना आपकी मदद करने के लिए। तो गणेश जी भगवान आए शिव पार्वती के पास में, अपने माता पिता का हाथ पकड़कर दोनों को ऊंचे आसन पर बैठाया, पत्र पुष्प से उनके श्री चरणों की पूजा की, प्रदक्षिणा करने लगे। एक चक्कर पूरा हुआ, प्रणाम किया, दूसरा चक्कर लगाकर प्रणाम किया, इस प्रकार माता पिता की 7 परिक्रमा कर ली। भगवान भोलेनाथ, मां पार्वती बोली कि वत्स, ये प्रदक्षिणाएं क्यों, ये परिक्रमाएं क्यों? गणपति जी बोले कि सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देव मयो पिता, सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य तो माता और पिता की प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। ये शास्त्र कहते हैं कि अपने पिता का पूजन करने से सब देवताओं का पूजन होता है। आपके जो पिता है वो देव स्वरूप है, अतः आपकी परिक्रमा करके मैंने संपूर्ण पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर ली। तब से गणेश जी भगवान प्रथम पूज्य हो गए। शिव पुराण में कहते हैं कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। माता पिता की सेवा करने वाला, गुरुजनों की सेवा करने वाला, उनका आदर करने वाला स्वयं चिर आदरणीय बन जाता है। जो बच्चे अपने माता पिता का आदर सम्मान नहीं करते हैं, बात बात पे गुस्सा करते हैं, वो अपने जीवन में लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इफ यू वांट बेटर सक्सेस इन द लाइफ, हमारे जो बच्चे अब एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, माता पिता की प्रदक्षिणा कर लीजिएगा, चरण छू कर जाइएगा। नौकरी नहीं मिल रही है, माता पिता के चरण छूकर नौकरी की तलाश कीजिए, देखिए कैसे जल्दी आपको नौकरी मिलती है, कैसे एग्जाम में आपको 101% आपको नंबर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतना कुछ बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या और समस्या का समाधान जानना चाहते हैं आप, तो आप सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर्स पर। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।